हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी आंध्रा से। आज मेरी बगलामुखी की पूजा बहुत अच्छे से हुई। बस अभी हम यहाँ से कभी भी प्रस्थान करने वाले हैं कोलकाता काली माँ के लिए, क्योंकि पूजा बहुत बड़ी है। पूजा लोगों के भविष्य के लिए है, क्योंकि शक्तियाँ बहुत सा अच्छी तरह से सिद्ध की जा रही हैं क्योंकि जगह के काम के लिए नहीं जा रहे। सिर्फ कामाख्या में जो बड़ी पूजा होने वाली है, 10 महाविद्याओं की शक्ति मिलने वाली है। उस 10 महाविद्याओं की शक्ति मिलने के बाद एक अलग ही, मतलब एक प्रॉपर अघोरी जो बोलते हैं ना, वो होगा। अभी मेरे में इतनी ताकत तो आई है कि मैंने इस दिवाली पे, जब सब लोग कहते हैं सुल्तान जिन क्या है, सुल्तान जिन क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुल्तान जिन की शक्ति दिखा दी, करिश्मा परी की शक्ति दिखा दी। तो पहले रुको, पहले स्नेहा से बात कर लो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। मैं स्नेहा, आप लोग तो मुझे पहचानते ही है। मैं बहुत बार माँ के साथ पूजा पाठ करने के लिए यात्रा पे निकलती हूँ, और इस बार भी मैं माँ के साथ यात्रा पे निकली हूँ। और हमारी यात्रा कोई छोटी बड़ी यात्रा नहीं है, हमारी बहुत बड़ी यात्रा है। हम अलग अलग माता रानी के दर्शन करेंगे, वहाँ पे जो पूजा पाठ, होम हवन, अभिषेक सब कुछ होगा। और ये सब इसलिए होगा ताकि मेरी माँ की जो पावर्स है वो इतनी बढ़ जाए कि सर्वोत्तम अघोरी बोल के माँ का नाम जो है लिया जाने वाला है। मतलब ऐसे तो माँ बहुत पावरफुल है, कोई भी काम करती हैं वो कब बैठे बैठे उंगलियां घुमा देती है और काम हो जाता है, ये उनके बाजू में बैठे हुए इंसान को भी पता नहीं चलता। और हम लोग इस यात्रा पे निकले हैं तो हम लोगों का कल्याण करने के लिए निकले हैं। जो माँ के ग्रुप वाले हैं, जो लोग माँ पे भरोसा करते हैं, सिर्फ उनका ही कल्याण नहीं होने वाला है। जो लोग माँ को मानते हैं, या फिर हमने, आप लोगों को पता भी है कि लॉकडाउन में हम लोगों ने बगलामुखी माता का बगलामुखी जप किया था ताकि स्कूल खुले, फिर कोरोना वायरस जैसा वायरस है, और सच कहती हूँ उसका परिणाम हमको बहुत जल्दी मिला था। तुरंत ही स्कूल खुल गया, बच्चे स्कूल जाने लगे, पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। और ये सब जो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने पूरे दिल से, निस्वार्थ भावना से इतना बड़ा जो है बगलामुखी मंत्र किया, बगलामुखी मंत्र का बहुत बड़ा जो है हमने जो ये मतलब संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा किया। और आज भी हम यही संकल्प लेके निकले हैं कि लोगों का कल्याण हो, लोग जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जो लोग माँ के साथ विश्वास, माँ के ऊपर विश्वास करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों को है ना जन्मजात कीड़े रहते हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो इंसान आगे चल के उनका भला करेगा उनकी खाते हैं और उन्हीं के पीछे जो है चूरा घोंपने में लगे हुए रहते हैं। मतलब जासूसी करना, फिर उनका जो काम है अपने काम से मतलब नहीं रखना, दूसरों के कामों में टांग अड़ाना, फिर उसके बाद जो है दूसरों तक अपनी खबर पहुंचाना, फिर उसके बाद जो है वीडियो कॉल करना। परसों ही कोई तो मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहा था कि मैं कौन हूँ। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरी पहचान मुझसे है ही नहीं है। मैं अपने आप को माँ का एक अंश मानती हूँ, मैं अपने आप को माँ की बेटी मानती हूँ, और उनके लिए ही मैं यहाँ पे यात्रा पे आती हूँ, उनके लिए पूजा पाठ करती हूँ। और माँ जो है अकेली नहीं चलती हैं, जब माँ चलती है ना तो हम सबकी फौज लेके चलती है, जो उनके लिए पूजा पाठ करते हैं। हम सब लोग माँ को इतना मानते कि हमारे लिए हमारी ईष्ट, हमारी दैवत, हमारा शुरू और हमारा अंत माँ ही है, और माँ के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि माँ ने जो लोगों से वादा किया है वो तो वादा पूरा होगा ही होगा, लेकिन जिन लोग, जो लोग माँ से जुड़े हैं उनकी ज़िंदगी में जो है इतना अच्छा टर्निंग पॉइंट आने वाला है कि एक उस पॉइंट पर पहुँचने के बाद जो है सारे लोग ये जान जाएंगे कि जो जो माँ ने कहा है उससे कई गुण ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है। क्योंकि हम सब शक्तियों पे बिलीव करते हैं, हम सब माँ पे बिलीव करते हैं, हमको माँ पे विश्वास है, उनकी शक्तियों पे विश्वास है। कितनी बार तो हम लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो उसके बाद जो है बस हम शक्तियों का याद करते हैं और एक सिगरेट अगरबत्ती जला देते तो हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू वॉर्न सम पीपल, दे आर ट्राइंग टू जस्ट डू क्वेरीज अबाउट माई माँ, वेयर शी इज़ गोइंग, वाई शी इज़ गोइंग, what is the main purpose of her going and all. I just want to warn you people that don't try to be a interference in our path, because we are doing our things only for the goodwill of the people. There's no harming done to anyone who is always believing in our ma, and we are always living for her and we are going to die for her. इतना याद रखना। हिंदी में भी बता दे उन लोगों को। मैं आप लोगों को यही चेतावनी देना चाहती हूँ कि हम लोग जो है माँ के लिए जीते और माँ के लिए मरते हैं। अगर आप लोग हमारे रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट या बाधा पैदा करने की कोशिश करो तो याद रखना, मार तो दूर ही रही, वो तो सेफ है, सेफ जोन में, हमको क्रॉस करना पड़ेगा। और जब हम तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे ना
तो माँ की तो शक्तियाँ आपको पता है वो सर्वोपरि है, लेकिन हम लोग जो छोटी छोटी दिखने में भले हम लोग छोटी छोटी, लेकिन हम लोग बहुत बड़े धूम धड़ाके हैं, इतना याद रखो। पता है मेरी माँ है ना, वो इतने साल से पूजा पाठ कर रही हैं, वो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं, जैसे उनकी आंखों में स्कैनर ही लगी, वो किसी भी इंसान की शक्ल देख लेती है ना, तो जो भी वो बोल देती है वो बात हम लोग बाद में अगर हाजी दापा से पूछे ना, वो बात 100% सही निकलती है। और मुझे भी 20 साल के पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैं भी किसी इंसान को देख लेती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत सारा मतलब 50-60% आइडिया आ ही जाता है कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हम लोग टीचर है, मैं टीचर हूँ तो मेरा तो एक ही उसूल है भाई कि जो है सच्चाई से करना है, अच्छाई से करना है। और मेरी माँ वो तो बस किसी को भी देख लेती है ना, तुरंत पहचान लेती है, जो भी बायोडाटा उसके बारे में बताती है ना, वो बायोडाटा 100% सही निकलता है, इतना तो हमने आज तक देखा है। इसीलिए कोई भी अगर आप हमारी माँ के बारे में कुछ भी गलत अपने मन में सोचते हो तो वो सोचना बंद कर दो, और यही याद रखो कि वो हमेशा दूसरों के भले के लिए लड़ने वाली औरत है, और अगर आप उसके लिए अच्छा सोच के एक सिगरेट अगरबत्ती भी लगा दो ना, तो माँ की शक्तियाँ खुद तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेंगी। आगे मैं माँ को हैंड ओवर करती हूँ। जय माता दी। हमारी यात्रा शुरू है, क्या है कुछ लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मैं कहाँ हूँ, कौन से होटल में हूँ, क्या हूँ, क्या करना क्या है आप लोगों को, और लगता क्या है कि मेरे तक आ पाओगे? काट के फेंक डालेंगे। मैं काम पे निकली हूँ, मैं तुम लोग जैसे फालतू या बाबागिरी करने नहीं निकली हूँ, और दम ने तो काम करके करवा के दिखाओ ना। दूसरी बात, हम यात्रा पे निकले, सबसे पहली बात शक्तियाँ अभी बहुत अच्छे से सुल्तान जी ने एक्टिव हो गया है। एक्टिव ऐसा हो गया है कि एक बार वो आपको दर्शन देगा, जो मैं तरीका बताऊंगी तुरंत आपको दर्शन देगा, और दर्शन देने के बाद आप जो भी काम है उसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, सामने वाला बंदा कहाँ है कैसा है। अब यार दिशु ने कल ही पूछा, मतलब दिशु के पति ने कल ही पूछा जिन्नात से कि पहले तो ये बताओ कि माँ के पेट में बच्चा है भी कि नहीं, कि बीमारी है, हमें ये जानना है। उन्होंने उसको तुरंत दिए की बत्ती की रोशनी में खेलता हुआ बच्चा दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कब होने वाला, तो वो जो उन्होंने बताया बताया नहीं। लेकिन एक और बात, ये जो लोग मेरा अपमान करते हैं, जो मेरे काम से डरते नहीं है ना, जो सोचते हैं पूजा कराओ अरे क्या कर लेगी, इनका पैसा वापस ले लो, ये ले लो, इस बार उनको कहा है जिन्नात ने कि 7 दिन के अंदर सबको बर्बर करने वाला है, 7 दिन के अंदर। तो समझ लो ये जो लोग मुझे पागल में गिनती कर रहे हैं, चाहे ग्रुप वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जैसा भी हो, इन 7 दिनों के अंदर उनके साथ आज से उनके साथ जो भी बुरा होगा 7 दिनों के अंदर, समझ लो सुल्तान जी ने किया, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आप लोग क्या समझते हो, बैंक में पैसा जमा करते हो क्या, क्या है बैंक में जमा कर दिया पैसा और चलो है ना, जब हुआ मर्जी ले लिया। चाह हम लोग का फोज फालतू दिखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं दौड़ दौड़ के आप लोगों के लिए, आप लोग में गड़सी नहीं के देख सको। मैं क्या बोल बता रही हूँ, इस दिवाली में मैंने इस बार कामाख्या सब इतना पूजा किया कि इस दिवाली में मैंने अपने घर में बैठे बैठे कितने लोगों को सुल्तान जी की शक्ति दिखाई, कितने लोगों को परी का दर्शन करवाया, तो भी कितने लोग उसका बाल भोग नहीं कर पा रहे। शक्तियाँ पास में आती है, आपको एक बार समझो शक्तियों ने एक बार दर्शन दिया ना, आप यकीन नहीं मानोगे, जिसको भी मैंने शक्तियों का दर्शन दिया ना उसने मंत्र बताया। आप सोचो सामने वाले ने मेरे लिए बात की, यहाँ तक कि मेरे लिए बात की कि माँ का काम थोड़ा सा कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो क्या तो सामने वाला सुल्तान जी ने भड़क के रिएक्शन दिखाया, गुस्से वाला, कि उन पर शक मत करो। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनका रास्ता रोक रहे, तो उन्होंने कहा कि 7 दिन रुको, 7 दिन में पता चलेगा सबको। और दूसरा आप सोचो, मेरे जिन्नात से ही मेरे लिए पूछा गया कि मेरा बच्चा पेट में है कि नहीं, होगा कि नहीं, तो मेरे जिन्नात ने उनको उस बात का जवाब दिया। तो सोचो कि आपको जवाब नहीं देंगे अगर आप लोग शक्तियाँ लेंगे तो, कि खजाना कहाँ है वो दिए की रोशनी में आपको दिखाएंगे। मैं तो सीधा सीधा आपको क्या एक और जो मैं सुल्तान जिन की ताकत आपको दिखा रही हूँ बत्ती के जरा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक और शक्ति है जो मोमबत्ती रख के उसमें दिए मोमबत्ती की रोशनी में आदमी पूरा देखता है, झाड़ू वाला झाड़ू लगा के जाता है, साफ सफाई करा के जाता है, फिर आते फिर बैठ के बात करते, उसको एक अलग ही शक्ति बोलते हैं, एक तरह से हमजाज शक्ति बोला जाता है। और हिंदू धर्म में कहते हैं कि कहते हैं ना काला रंग, आईने पे काला रंग पोता जाता है ना, काला रंग पोत के दिए की रोशनी में उस आईने को देखा जाता है, तो उस आईने के अंदर साफ साफ दिखाई देता है, वो चीज़ में दिए की रोशनी में दिखा रही हूँ। है आप में दम लीजिए, देखिए जब शक्तियाँ आपके सामने आके बैठेंगी, आपको मंत्र देंगी, आपको नंबर देंगी, तो आपको ये नहीं बताएगी कि कल कौन सी लॉटरी जीतने वाली, आपको ये नहीं बताएंगी कि आपका खजाना कहाँ है, आपको ये नहीं बताएगी सामने वाला बंदा क्या कर रहा है। उस दिए की रोशनी में जब वो ये दिखा सकते हैं कि मेरा बच्चा हो चुका है, मेरा बच्चा खेल रहा है मेरे आसपास में, मैं
कहीं पे बैठी हुई हूँ मैं, सॉरी किचन में काम करूँ, मेरा बच्चा खेल रहा, तो वो दिखा सकता, आप लोग को नहीं दिखा सकता, ऐसी बात है। और दूसरी बात मैंने क्या कहा, मैं किसी के पोल खोलूँगी, इंसान की सूरत अच्छी नहीं हो तो सीरत अच्छी होनी चाहिए। एक नई माया मैडम हमारे बीच में जन्मी है, नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये बात तो पक्की है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, हम करें तो चमत्कार, तुम करो तो बलात्कार, नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल रही ना, हम करें तो बलात्कार, तुम करो तो चमत्कार, है ना। तुम भले 10 के साथ घूम के आओ और अपने पति को झूठ बोलो कि मैं फ्रेंड के घर पे थी, हाँ अभी ये मतलब है किसी कॉल गर्ल की बात, ये कोई पर्सनली अपने मत ले, लेकिन एक लेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं, कि एक लेडीज़ है जिसने अपने पति को सरासर झूठ बोला कि मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, लेकिन अगर हम लोग उसका बायोडाटा, आज मैंने निकाला क्योंकि मुझे चिड़ मची थी, तो बायोडाटा निकालो, मेरी हाजिदा ने ये बताया कि माँ ऐसी औरतें सिर्फ और सिर्फ आदमियों को यूज़ करना जानती हैं, और ये खुद दूसरे आदमी को यूज़ करती है, इसलिए इसको इन लोगों को अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं होता है, इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं 10 के साथ जाके सो के आ सकती हूँ और अपने पार्टनर को चूतिया बना सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता। तो देखो हम आदमियों को तो चेक नहीं कर सकते ना कि वो सच में किसी के साथ सोया है कि नहीं सोया है, क्योंकि उसका तो बंदूक है, बंदूक कब पानी निकाल दे पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ हमारी योनि तो वो होती है ना, खड्डा होती है, तो अगर एक आदमी अगर पता करना चाहे, अब जिसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, अगर उसका उसका जो पार्टनर है वो एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है, आज तो हाजिदा ने उसका नाम ही रख दिया कि भगवान ने उसका नाम क्यों ऐसा रखा, उसका नाम बेवकूफ़ रखना चाहिए था ऐसा, तो बोली उसके लिए एक ही इलाज है माँ, कि उसको इतना इतना भरोसा है ना अपनी पार्टनर पे, हम झूठ बोले तो उसको बोलना एक बार पार्टनर के साथ जाके शारीरिक संबंध बना ले तो पता चल जाएगा, कटोरे में चम्मच घुमा के आ जाएगा, योनि से इतनी गंदी बदबू आएगी, और जिस तरह का प्यार उसको देना चाहिए वो प्यार देना तो दूर, वो उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, हमेशा उससे पीछा छुड़ाएगी। अभी जैसे मैं अपने केशव के पापा को हमेशा प्यार करती हूँ, वो मुझसे जितना प्यार करे कम करती हूँ, उन्होंने कभी कोई चीज़ मना नहीं करती। अभी हम लोग 2 दिन पहले भी इतनी मस्ती कर रहे थे, हाँ परसों रात की बात बताती है, परसों रात को कुछ ऐसा हुआ कि स्नेहा जरा आवाज़ कम कर बेटा, परसों रात को कुछ ऐसा हुआ कि मेरे प्रभु, हम लोग उधर रुके थे राजस्थान में, सुबह बाकिया जाना था कल, तो मेरे प्रभु थक गए थे तो गए थोड़ा सा ड्रिंक करके आए, तब तक हम मैं और स्नेहा पूजा कर रहे थे, वो ड्रिंक करके ऊपर आके सोए, जल्दी सो गए, हम लोग रात भर जागे थे तो जल्दी सोए, जब एकदम नींद में चले गए, तो जब तक नींद में नहीं गए तब तक उन्होंने खुद मुझे अपने हाथ पे लेके सुलाया कि मेरे हाथ पे आ पकड़ के सो, लेकिन जैसे ही नींद में गए उन्होंने मुझे हटाया, तो फिर मैं उनको ऐसे मैं वो सेट चेहरा कर ली, क्योंकि मुझे कैसा पेट में बच्चा है तो बार बार इस करवट उस करवट घूमना पड़ता है, उसकी वजह से सब परेशान होते हैं, तो फिर मैं अपने प्रभु की तरफ करवट लेके जब उनको पकड़ी तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे ज़ोर से हटाया, तो मेरी आँख तो खुली हुई थी क्योंकि मैं जागती रहती हूँ, सब कुछ 2 बज रहा था, तो अचानक से ऐसा मुझे बोला ये देखूँ तो सही किसको हटा रहे, मैंने बोला भी प्रभु मैं हूँ, तो एकदम वो नींद में थे ना उनको याद नहीं, तो मैंने उनको पकड़ा और मैंने जानबूझ के उनके पेट पे कस के पकड़ा कि मेरा, तो उन्होंने कस के मेरी कलाई जोर से उठा के फेंटे और गाली क्या दी, आई ची झावड़े कितनी, मतलब हिंदी में बताती हूँ मराठी बोलने नहीं आती, कितनी बार बोला कि मतलब बाजू में मत आ ऐसे, और सिर्फ हाथ नहीं हटाया जोर से पैर से भी मारा, जो कि मैंने उन पर पैर नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता था हाथ को इतना जोर से झटका दे तो पैर पे झटका लगेगा, पैर पे जोर से मारा तो मैं किसी को कहूँगी क्यों अपनी बेइज्जती कराती हो, हाँ क्यों बार बार मेरे प्रभु का रेप करने के लिए सब लोग जाते हो, क्योंकि एक बात बताओ, एक नशे में और एक नींद में आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, वो नींद से पता चला, फिर मैं पलट के सो गई, मैंने बोला शायद अभी नींद में लगता है किसी और को बाजू में से हटा रहे, तो मैं जब पलट के सो गई तो कुछ आधा घंटा ही बीता होगा मेरे प्रभु की आँख खुल गई, मुझे बोलते क्या है तो उतनी दूर जाके सो जाती बार बार, बोला ना पकड़े सोने को चर्बी चढ़ रही है क्या फिर वापस मुझे अपनी तरफ खींच लिया ऐसे। अगर मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, देखो अभी इस दतिया के रूम में हम सब साथ में हैं, स्नेहा मेरा बेटा प्रभु मैं, क्योंकि दतिया जैसी जगह पे मियां बीबी एक साथ नहीं रहते, लेकिन अभी इतना बड़ा रूम है तो हम अलग अलग रूम थोड़ी लेंगे, तो मैं मेरा प्रभु स्नेहा मेरा बच्चा साथ में ही रह रहे हैं, मेरा प्रभु हनी के साथ सो रहा है, मैं स्नेहा के साथ सो रही हूँ, लेकिन तो भी वो प्रभु हनी के साथ सोने के बाद भी उसकी नज़र मुझ पर है, खटिए पे ना कि मुझसे दूर क्यों है, ऐसे बच्चों जैसी हरकत है। तो मैं ये सोचती हूँ कोई क्यों अपनी बेइज्जती करा था, हाँ बेइज्जती कराने से याद आया फिर मायके पहुँच गए मतलब क्या है ना, मेरी नज़र तुम पे पूरी तरह से है, कोई बात नहीं समझती हूँ, ठंडी का मौसम आ रहा है ना, ठंडी के मौसम में पति भाग गया है क्या करेगा, भगा देता है बार बार, लात मारता है ना, ये मारता है क्या करेंगे, मेरा प्रभु है ना, अगर मैं अगर उसके लिए कभी मटन बनाऊँ तो ही वो खाएगा, अगर मैं कभी बोलूँगी ना कि मटन किसी और के लिए बना है तो मेरा प्रभु उसी दिन वो मटन नहीं खाएगा, मतलब उसे दूसरे की चीज़ पसंद नहीं है,
ये बात याद रखो, मतलब उसको झूठा खाना पसंद नहीं है, उसको छोड़ी हुई चीज़ पसंद नहीं है, उसको अगर पता है कि ये चीज़ ऑलरेडी किसी और ने यूज़ कर ली, कपड़े की बात बता दी, अगर मेरे प्रभु का कपड़ा किसी और ने पहन लिया तो वो कपड़ा वो दोबारा कभी नहीं पहनेगा, ये सोचने की बात है, थोड़ा समझो मैं क्या बोल रही हूँ। जब वो पहने हुए कपड़े ही पहन सकता तो यूज़ किया हुआ इंसान कैसे यूज़ कर सकता है। ये बात किसी का नाम नहीं ले रही हूँ मैं, लेकिन एक और बात बोलती हूँ, जब तक हम किसी का नाम नहीं लेना, सब अपने ऊपर नहीं डालने का नाम, बहुत सारे लोग रहते हैं। अभी जैसे हमने एक नई माया मैडम जन्मी है क्या ज़रूरत था। देखो मेरा एक इंटेंशन है, मैं तब तक आपके बीच में नहीं आऊँगी जब तक आप मेरे बीच में नहीं आओगे, ये बात याद रखना। और मैं खास करके ऐसी औरतों को बोलूँगी, क्योंकि मेरे पास है ना 99% कॉलगर्ल लोग काम कराती हैं, याद रखिएगा। कॉलगर्ल लोग क्यों काम कराती है, कि उनको खूबसूरती चाहिए, माँ ऐसी कामाख्या की शक्ति दो ना कि हमारा काम हो, क्योंकि उनका घर उससे चलता है। तो मुझे उनकी फितरत पता है, वो ऐसी करती हैं, वो खुद तो 10 मर्दों के साथ जाके सोएंगी, लेकिन मेरे पास हमेशा काम कराएगी, मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता है, नहीं तो मेरी क्या है, तो ध्यान क्यों नहीं देता है, क्योंकि तुम पहले ही अपनी इज्जत 10 आदमी के सामने बेच के आई हो, फिर उसके बाद वो इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। अब एक बार बताओ, तुम्हारा काम ही है 10 आदमी के साथ सोना तो तुम क्या करोगे, अपने पति को वो प्यार थोड़ी दे पाओगे। तुम्हारा पति तुमसे चुम्मी मांगेगा तो तुम बोल गया अरे नहीं मेरे मन नहीं, क्या तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े थे। एक बात याद रखना, जब कोई औरत आपको प्यार करने से रोके और बार बार आपसे पीछा छुड़ाए, तो ये मत समझो कि वो नखरा दिखा रही है, वो कर रही है, इसका मतलब उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, क्योंकि भूखा आदमी कुछ भी खाने को तैयार होता है ना, भूख होनी चाहिए। अब देखो मेरा पति मेरे पास है, इतना सारा प्यार करने के बाद भी हम लोग को भूख लगी रहती है, हम एक दूसरे के बार नहीं रह पाते, क्यों, क्योंकि हम एक ही के पास है ना, 10 के पास थोड़ी मुँह मार रहे हैं, ऐसी बात है। तो ऐसी हरकत क्यों करना, और ऐसी औरतों को चेक करने का एक ही इरादा है कि शारीरिक संबंध बना के देख लो, पता चल जाएगा कि क्या और कौन कैसा है, ये याद रखो। क्योंकि मेरे पास जितनी लोग काम कराती ना, वो सब यही चालू रहता है इन लोगों का, इनको पति का प्यार नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नखरे चाहिए, ऐसी बात है। क्योंकि मैं अपना काम बखूबी करता हूँ। एक और बात, कुछ लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ लोग बहुत पहले के लोग जानबूझ के, जब मेरे पे मुसीबत था ना, बहुत पहले की बात है, जब मैं कहीं पे भी रहती थी, पहले मैं विद्यादेवी बनने से पहले जब मैं छोटी मोटी पुजारी थी, तो बहुत से लोग मुझे जानते थे। उस वक्त बहुत से लोगों ने मुझे कर्जे में डाला था, अननेसरी ब्याज पे ब्याज लिया था, मजबूरियों का फ़ायदा उठाया था। आज वो लोग कुछ लोग जुड़ने को देखते हैं, फिर से सोच से बात करने को, इतना मारेगी ना विद्यादेवी चप्पल गिरा के, क्योंकि जब उस पर मुसीबत आई थी, जब उसका सब कुछ चला गया था, बंगला गाड़ी सब चला गया, तो सब तो पीछे भाग गए थे। अब क्या है, हाँ मतलब इतना ब्याज खाने का, सब खाने का, उसके बाद फिर से मुँह उठा के आने का, पक्का बता रही हूँ, मुझे मजाक में मत लो। मैंने क्या बोला, मेरी अनु जी की किन्नर ताकत और मेरे पास महिला मंडल की ताकत ऐसी है ना, कि मैं सिर्फ तुम्हारा नंबर उसको दे दूँगी, फिर वो नंबर वाले मेरा नाम लेके तुमको बुलाएंगे और इतना कूटेंगे कि तुम्हारी हस्ती बिगड़ जाएगी, याद रखना। मेरा नाम लेंगे कि मैं विद्या देवी बोल रही हूँ, आओ किधर मिलना है, आओ मिलो, है ना, फिर तुमको बराबर करेंगे, ऐसी बात है। मेरी महिला मंडल ऐसी वैसी नहीं है, वो तुम्हारे घर में घुस के अपने कपड़े अपड़े फाड़ के पुलिस को बुलाएंगे कि मेरी इज्जत लूट रहे हैं, ये याद रखना, फिर क्या होगा तुम देखो क्योंकि अब तो भाई इतना साम्राज्य बनाया है, तो भाई गुंडे भी पालने पड़ेंगे, है ना, कि सबको पालना पड़ेगा। इतना तो मेरे पास है पावर कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पाल के रखा है कि तुम्हारे घर में घुस के नंगा होके पुलिस वालों को बुलाएंगे कि ये मेरे को धंधे के लिए बुलवाया था, ये मुझसे धंधा करवाता है, क्या करोगे फिर बोलो। ऐसी अरे अभी मेरी महिला मंडल ने एक आदमी को 15 माले से फेंक दिया केस बन गया, ऐसी हैं। और वो मेरी अन्नू जी की वजह से, हाँ थैंक यू सो मच, मेरी अन्नू जी का 12 तारीख को बर्थडे है, मैं हूँ नहीं, मैंने उनको बहुत बोला कि हमारे साथ आ जाओ यात्रा पे, लेकिन वो मेरे बच्चों के साथ है, मेरे बच्चों का बर्थडे मनाएंगे धूमधाम से, मैंने महिला मंडल को सेट करूँगी, मेरी महिला मंडल बर्थडे धूमधाम से मनाएगी अच्छे से। ये महिला मंडल देने वाली भी मेरी अन्नू जी हैं, मैं अपनी अन्नू जी पे घमंड खा के कह सकती हूँ। और मेरी अन्नू जी का पूरे, वो कहते ना, बॉम्बे से लेके विरार तक में इतने किन्नर है, मेरे विरार में भी मेरे नैना वैना करके बहुत सारे किन्नर हैं, जो कि सिर्फ नाम बोलने की देर है, तुम्हारे घर में घुस के तुम लोगों को मारेगी, बोलने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो बस जैसी करनी वैसी भरनी, क्या कर सकते हैं। हाँ तो फिर मैं ये बोली ना, क्योंकि क्या होता है, ये लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आती, अब कुछ लोगों को समझाने का यही तरीका है, ऐसी बात है। शक्तियाँ हाजिर करके दिखा सकती हूँ, शक्तियों का काम कर सकती हूँ, सब कुछ करके दिखाई, लेकिन मेरे दिमाग पे लोगोगे ना तो ब्लास्ट हो जाएंगे सब लोग, ऐसी बात है। और माया मैडम जैसे लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, माया मैडम लोग हो चुकी बेशरम।
ये माया मैडम से याद आया मुझे, मैं अपने एक बात बताऊंगी। मेरे पास एक आदमी था, मेरे भाई को मम्मी जी बोलते हैं, उसका नाम नहीं बोलूंगी सॉरी, मुझे बहुत अच्छे से जानता है हमेशा। तो उसकी पहले तो शादी नहीं होती थी, बेचारा हमेशा शादी के लिए कर, क्योंकि मम्मी पापा के परेशानी में बेचारा सिर्फ कमाने को भी शादी नहीं होती थी। फिर एक बार कैसे तो उसकी शादी होने लगी, मुझे उसने लड़की की फ़ोटो वोटो दिखाई। जब मुझे लड़की की फ़ोटो दिखाई ना, तभी मैंने कहा था, तभी मेरे को मन में खटका कि नहीं। फिर भी कितनी बार झगड़ा झंझट हुआ, क्योंकि वो लड़की माँ बाप के साथ रहने वालों में से नहीं थी, वो ऐश में रहने वालों थी। उनको उसका ऐसा था कि मैं ऐश में रहूँ, मेरा पति घूमे फिरे, मुझ पर खूब खर्चा करे। और वो आदमी एकदम सीधा साधा भोले बच्चे जैसा था, है ना। वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खिला दो पिला दो, हमेशा इतना मानता था, आज भी मानता है। तो उसने मुझे एक दिन शादी की तारीख पूछी, तो मैंने ही उसे तारीख बताई थी कि ये तारीख फला तारीख को आप शादी कर लो। मैंने उसके लिए शेरवानी भी ली, कपड़े भी लिए, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा बीच में ऐसा कुछ हो गया, शादी के 10-15 दिन पहले कुछ तो झगड़ा हो गया थोड़ी सी बात को लेकर। तो मैंने कहा कि भाई एक बार फिर से सोच लेना, ये लड़की तुम्हारा साथ नहीं निभाएगी, थोड़ा दिन और दो नहीं तो भुगतोगे। बोले नहीं नहीं, तो उन्होंने मेरी बात को गलत समझा। फिर मैं अपनी अनु जी के साथ हम लोग तुलजापुर निकल गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ 2 महीने बाद हमें उस आदमी से वापस मिली। हम लोगों को कहीं कुछ जाना था, है ना, कुछ काम था। तो जब 2 महीने बाद वापस मिली तो मैंने उसको कहा, अरे कुछ गुड न्यूज़ है कि नहीं, कुछ भाई शादी वादी हो गई बच्चे वच्चे का। तो बोलता है क्यों, कोई गुड न्यूज़ नहीं है मम्मी जी, वो तो हम मुझे 1 महीना पहले ही छोड़ के चली गई। मतलब शादी के 1 महीना ही रिश्ता चला, 1 महीने। मेरी क्या हुआ, बोलते नहीं वो थोड़ी मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, उसको सब साफ सफाई पसंद नहीं था, छोड़ के आज उस आदमी का तलाक होने वाला है ऐसा। तो ये सब बातों में शह देने वाला कौन है मालूम, उनके घर में कोई समझाने वाला नहीं था। जब हम पंडित लोग किसी को समझाते हैं ना तो सब बुरा मानते हैं। मैं एक बात बोलूँगी, शादी आप किसी से भी करो, लेकिन उससे करो जो आपके माँ बाप को देखे, जो आपके माँ बाप से आपको अलग करे उससे मत करो। मेरा हनी देखो मेरे साथ आया है, मेरा प्रभु मेरे साथ मंदिर में नहीं बैठा, लेकिन मेरा हनी मंदिर में बैठा, मुझे जाप करते देखा। कल मैं गाड़ी से आई हूँ, मेरे पास 4-4 ड्राइवर होते हुए भी मेरे चारों ड्राइवर आराम से गाड़ी में बैठे। एक तो मेरे चारों के चारों ड्राइवर है शहनशाह की औलाद है, मतलब पानी लेने नहीं उतरना है, सामान लेने नहीं उतरना है, मैं उतर जाऊंगी, मेरा बेटा उतर जाएगा, मेरा प्रभु उतर जाएगा, लेकिन ये सारे के सारों को गाड़ी में बैठना है। मतलब इन लोग का ऐसा ड्राइवर है, मतलब इन लोग, मुझे कभी कभी लगता है कि हमने इनको रिक्वेस्ट करके लाया। अभी आज मैंने अपने शंकर भाई को बोला इन चारों के लिए, मैंने बोला भाई जरा देखो हम लोग इतनी बड़ी यात्रा पे निकले तो ज़रा ध्यान दो, क्योंकि इन लोगों को सबको पर डे का 1000-1000 रुपये बांधा गया है। अब सबको पर डे का 1000-1200 बांधा है, तो इन लोगों को कैसे रहना चाहिए। अगर 1.5 महीने का टूर है तो 45-45 हज़ार रुपये पाएंगे एक एक जन, इन लोगों को समझना चाहिए। लेकिन उन लोगों की गांड नीचे नहीं उतरती है, वो लोग गाड़ी में ही बैठे रहेंगे, कोई सामान नहीं उतारना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। वो बहुत गुस्सा आता है। कल मेरे बेटे को देखा मैंने पानी लाते, मेरे बेटे को चिल्लाया कि ये लोग क्या भैंस जैसे बैठे हैं, तू क्यों उतरा गाड़ी से, बैठ गाड़ी में ऐसा। ये लोगों को अपनी गांड नहीं उतारनी, लेकिन टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे पीना चाहिए। और एक तो वो आ गए 2 गांडू लोग यूपी के, एकदम बकवास, मतलब उन लोगों को कोई चीज़ की शर्म नहीं है। मैंने तो अपने प्रभु को कहा है उनके हाथ में पैसा दे दो, उनके पगार में से काट काट के उनको खाना खाना है, बोलो राइस प्लेट उतर के खाने का। इन लोगों को चर्बी है, सुलेमानी रहमानी खेड़िया बताओ, वो जो 2 जन आए उनको रहने की व्यवस्था की गई है, एसी रूम में रह रहे खा रहे, उनको कैसे रहना चाहिए अभी उनको पता नहीं है। कोई नहीं है, विंध्याचल पहुँचने दो, वहाँ मेरे भाई उनको बताएंगे कि कैसे रहा जाता है, मेरे भाई उनको बरोबर सबक सिखाएंगे। जितनी उनकी होशियारी ना सब चले, उनको मेरे लिए डर नहीं लग रहा है, उनको मेरे लिए कोई डर नहीं है, उनकी सारी होशियारी। उनको कैसा है, गाड़ी चलाना दूर की बात है, हमको नाश्ता टाइम पे चाहिए, हमको खा रहे खाना खाओ, नाश्ता को कौन मना कर रहा है। तो कहते हैं ना वो कहावत सुना ना, नाच ना है आंगन टेढ़ा, वो हाल हो गया है। तो चलो कोई नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। अभी हम लोग जो दिमाग का काम है, तो मैं अपने यात्रा पे ध्यान देती हूँ, बाकी लोगों को मेरे शंकर भाई ध्यान देंगे, और जो छोटे मोटे बच्चे हैं उनको स्नेहा ध्यान देगी, हाजिदा सुनीता दिशा, अब तो हमारे ग्रुप में दिशा भी जुड़ गई है, क्योंकि हाजिदा तो आईनी अमले दिखाती थी, अब दिशा के भाई मेरा भाई जुड़ गया है, तो वो मुझे डायरेक्ट, मतलब जिन्ना डायरेक्ट उसको दिए की रोशनी में दिखा दे रहा है, एक हमजा सिद्ध कर लिया, डायरेक्ट दिखा दे रहा है क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात हो गई, अभी हमको और चेन बनानी है। मैं चाहती हूँ कि आप में से जो भी हमारी चेन में जुड़ना चाहता है एक बार सुल्तान जिन लो, क्योंकि अगर एक बार सुल्तान जिन लेंगे ना, हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। एक बार लो, एक बार भरोसा करो, देखो आपका काम 101% होगा ही होगा। और दूसरा थोड़ा सा मेरे लिए डर रखो, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ, और मेरे साथ जो रहने वाले राक्षसी वो तो वहाँ बेकार है, वो सिर्फ शक्ल से, कहते हैं ना एक
अभी आज ही हमने एक उड़ती हुई चुड़ैल देखी है, मेरा बेटा बोला उड़ती हुई चुड़ैल है, मैंने बोला बेटा वो काली और मैं गोरी हूँ, मतलब एक खूबसूरत चुड़ैल वो बेकार चुड़ैल है, और एक डायन चुड़ैल इधर बैठी है ऐसी है, ये तो महाडायन है, ये तो किसी को नहीं छोड़ेगी। तो बस डर ज़रूरी है ना, लेकिन ये है कि मानो तो मानो, सुल्तान जी लो, क्योंकि हम काली कोलकाता जाने वाले, काली घाट जाएंगे, माँ तारापीठ जाएंगे, शमशान में पूजा होगी, जिसको जो भी शमशान काली जो भी चाहिए अभी लो, वहाँ नीमतला शमशान भूतनाथ मंदिर जाएंगे, ऐसी बात है, भूतनाथ की भी शक्ति होती है, लीजिए हम करके देने को तैयार हैं। जय माता दी।